हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए हैं नई जॉब की जानकारी, लेकिन इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बात करते हैं जॉब के बारे में, जो दिल्ली हाईकोर्ट रिक्रूटमेंट 2018 की है। दोस्तों, अगर पोस्ट नेम की बात करें तो दिल्ली जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन 2018 है। अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 147 वैकेंसी है, और इसके पे स्केल की बात करें तो 56,000 से 1,77,500 के बीच है। आइए बात करते हैं कैटेगरी वाइज पोस्ट की। तो जनरल कैटेगरी के लिए 112 पोस्ट हैं, एसटी कैटेगरी के लिए 9 पोस्ट हैं, एससी कैटेगरी के लिए 26 पोस्ट हैं, टोटल 147 पोस्ट हैं। आइए बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो इसके लिए कैंडिडेट को एडवोकेट होना चाहिए, एलएलबी पास होना चाहिए। अगर एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है मैक्सिमम 32 साल है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1,000 रुपए है, और एससी एसटी पीएच के लिए 200 रुपए फीस है। अगर पेमेंट मोड की बात करें तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। तो फॉर्म बनने की जो डेट है 22 नवंबर 2018 से स्टार्ट हो रही है, इसका लास्ट डेट 22 दिसंबर 2018 है। आप इससे पहले फॉर्म को जरूर फिलअप कर दें, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां पर जाकर डिटेल में चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर जॉब लोकेशन की बात करें तो नई दिल्ली है, और अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें प्री एग्जाम होगा, मेन एग्जाम होगा और वाइवा वॉइस टेस्ट होगा। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।